तो यार प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको एक IDE की ज़रूरत पड़ने वाली है जिस पे हम कोड लिखने वाले हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप VS कोड डाउनलोड कर लीजिए। आप अपने कन्वीनियंसी के हिसाब से कोई सी भी IDE डाउनलोड कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप VS कोड यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छी IDE। ठीक है, तो यार VS कोड डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली अपने ब्राउज़र में आ जाना है और आपको टाइप कर देना है डाउनलोड VS कोड। ठीक है, और विजुअल स्टूडियो कोड की आपकी साइट ओपन कर देनी है आपको, और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको डाउनलोड कर देनी है। ठीक है, विंडोज़ यूज़र हो तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड कीजिए, उबंटू, लिनक्स, मैक। ओके, और दूसरा हमें ज़रूरत पड़ने आ रही है नोड जेएस की। तो नोड जेएस क्या है? नोड जेएस को सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट भी कहा जाता है। इसे हम अपने बैकएंड पार्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो IDE आप कोई सी भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन नोड जेएस आपका मस्ट है, आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। और नोड जेएस डाउनलोड करने के लिए भी सेम प्रोसेस आपका, आपको सिंपली नोड जेएस लिख देना है और नोड जेएस की साइट ओपन कर लेनी है आपने और आपको डाउनलोड कर लेना है। रिकमेंड फॉर मोस्ट वाला वर्जन आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन रहते हैं उसमें काफ़ी बग रहते हैं और जो रिकमेंड रहते हैं वो काफ़ी स्टेबल वर्जन होते हैं। तो आपको ये वाला डाउनलोड करना है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो यार अब हम देखते हैं कि हमें कौन से टूल्स और फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यार सॉलिडली कोड लिखने के लिए हमें एक स्पेशल IDE की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि वेब बेस्ड है। ठीक है, आप इसे अपने ब्राउज़र में रन कर सकते हैं, जो कि हमारी रिमिक्स IDE है सॉलिडिटी लैंग्वेज टाइप करने के लिए। ठीक है, काफ़ी अच्छी IDE है, वेब बेस्ड, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगी। और जो दूसरा है, हमें नेक्स्ट जेएस की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि एक रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है जो काफ़ी इजी बना देता है हमें रिएक्ट वेब ऐप बनाने के लिए। ये काफ़ी चीज़ हमें यार अच्छा कर देती है, जैसे राउटिंग वगैरह। रिएक्ट में आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी पड़ती है, जैसे रिएक्ट राउटर डोम। इसमें आपको राउटिंग प्रीबिल्ड मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है एक डेवलपर के लिए। और एक और नेक्स्ट जेएस की खास बात है, ये आपको सर्वर साइड रेंडरिंग देती है। जो हमारा रिएक्ट है वो क्लाइंट साइड रेंडर होता है, सर्वर साइड रेंडर बहुत ज़रूरी है हमारी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक, तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं। और तीसरी चीज़, हम इस वेब ऐप को हम पॉलीगॉन में बनाने वाले हैं। तो पॉलीगॉन क्या है यार? आज के टाइम में आपके पास बहुत सी ब्लॉकचेन हो गई हैं जिसके आप ऊपर अपने डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बना सकते हैं, जैसे कि इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, एवलैंच और काफ़ी कुछ है। पॉलीगॉन जो है हमारा इथीरियम का लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन है, जो हमें बहुत ही लो ट्रांजेक्शन फी के साथ काफ़ी फास्ट एक्सपीरियंस देती है। तो हम पॉलीगॉन का यूज़ करने वाले हैं यार। ठीक है, और पॉलीगॉन को हम एक्सेस करेंगे अपने इन्फ्यूरा से। और एक चीज़ और, IPFS जो हमारा IPFS है, जो ऐप बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक फाइल सिस्टम की। हम कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बना रहे हैं, तो हम कोई डेटाबेस का यूज़ नहीं करेंगे, हम IPFS का यूज़ करेंगे अपनी इमेजेस स्टोर करने के लिए। और हम इस प्रोजेक्ट में हार्ड हैट का यूज़ करने वाले हैं। हार्ड हैट आपको एक फ्लेक्सिबल, एक्सटेंसिबल और फास्ट इथीरियम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट देती है, जो कि आपका सिमिलियर है ट्रफल से, अगर आपने काम किया है ट्रफल में उससे सिमिलियर है। लेकिन यार आजकल हार्ड हैट काफ़ी फेमस हो रहा है अपने फ्लेक्सिबल और फास्ट इन्वायरमेंट के लिए, तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हार्ड हैट काई के लिए यूज़ होता है? हम अपने सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम रन करेंगे लोकली और डिप्लॉय भी करेंगे, हम अपना टेस्टनेट या मेननेट में हम डिप्लॉय करेंगे यूजिंग हार्ड हैट। ठीक है, और हम लोकल ब्लॉकचेन भी रन कर सकते हैं यार, जैसे अगर आप गनेश में काम कर चुके हो, जो ट्रफल ने दिया है हमें गनेश CLI, तो ये हमें लोकली ब्लॉकचेन रन करने में हेल्प करेगा। और ये काफ़ी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ether.js। अगर आपने web3.js में काम किया है तो ether.js काफ़ी सिमिलर है, लेकिन काफ़ी बेटर लाइब्रेरी है। एंड एट लास्ट हम यूज़ करने वाले हैं स्टाइल कंपोनेंट्स का।
तो यार स्टाइल कंपोनेंट क्या है? तो हम इस प्रोजेक्ट में अपना नॉर्मल सीएसएस यूज़ नहीं करने वाले हैं। स्टाइल कंपोनेंट में आपको सिमिलर सिंटैक्स लिखने पड़ते हैं सीएसएस के, बट ये आपको काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस देती है। इसमें हम कंपोनेंट लेवल स्टाइलिंग कर सकते हैं, जो कि एक डेवलपर के लिए काफ़ी अच्छा है, स्पेशली रिएक्ट ऐप्स में जिसमें हम कंपोनेंट वाइज काम करते हैं। तो कंपोनेंट्स के अंदर ही हम स्टाइलिंग करेंगे अपना जावास्क्रिप्ट लिटरल से, तो काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस देने वाला है स्टाइल कंपोनेंट। और इसमें हम थीम टॉगलिंग की फैसिलिटी भी डालने वाले हैं, तो इससे काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस मिलता है अगर आप स्टाइल कंपोनेंट यूज़ करेंगे। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या मेरी मेल में आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू गाइस।